नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ टमाटर के प्लॉट की तरफ, जहाँ आज हम जो है यहाँ लकड़ियाँ लगा रहे हैं। इनको टमाटर को जो है लकड़ियाँ लगाने का काम चला हुआ है। तो अभी मैं बताऊँगा कि लकड़ियाँ क्यों लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर से जो है हवाएँ चली हुई है, कितनी तेज़ हवाएँ हैं ये। इन हवाओं से बचाने के लिए और फ्रूट्स को जो है जमीन पर लगने से बचाने के लिए लकड़ियाँ लगाई जाती है, और ताकि पौध जो है सुरक्षित रहे और पौध लकड़ियों के बीच जकड़ा रहे और हवा से कोई फ़र्क न पड़े। जैसे यहाँ से हवा जाएगी दूसरी तरफ जो ये फंस जाएगा, और यहाँ से जाएगी तो यहाँ फंस जाएगा, वहाँ से आएगी तो यहाँ फंस जाएगा। चारों तरफ से जो इसको लकड़ियों ने जकड़ दिया है। तो अब इसके हमने एक साइड जो लकड़ियाँ लगा दी सुबह लगाई थी, तो अब दूसरी साइड लगा रहे हैं। सुबह में कुछ वीडियो कवरेज नहीं कर पाया था, तो अभी जो है कुछ इस मतलब हवा ने जो है खीरे के प्लांट भी ख़त्म कर दिए। देख सकते हैं ये इतनी तेज़ हवा चली हुई है कि इसने प्लांट को भी डेड कर दिया। तो मैक्सिमम मैंने देखे कि 5-7 प्लांट जो है मतलब टूट गए हैं, इतनी हवा तेज़ चली हुई है। इस हवा ने जो है हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है, और इसमें जो है खीरे के मतलब प्लांट जो है खीरे के पौध भी टूटने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस हवाओं से बचाने के लिए और फ्रूट को ज़मीन से धरती से लगने के लिए, अगर फ्रूट जो टमाटर का फ्रूट आएगा, टमाटर के दाने आएंगे, अगर वो धरती में लग जाएंगे, ये देख सकते हैं ये अगर प्लांट गिरा होता तो धरती में लगेंगे, तो आगे चलकर बरसात आएगी, तो बरसात जैसे ही बरसात आएगी तो बरसात में पानी का सिलसिला जारी रहता, ज़्यादा होता है, मिट्टी जो है चिपचिपी होती है, धरती जो है चिपचिपी रहती है, इससे जो है इसमें सड़न ज़्यादा आ जाती है, ब्लैक काले रंग का दाग पड़ जाता है ज़मीन से लगे हुए, और उसको जो ब्लाइट जिसे हम ब्लाइट भी कहते हैं, तो काले रंग का दाग को बचाने के लिए या फ्रूट को सुरक्षित रखने के लिए इनको जो लकड़ियाँ लगाई जाती है, और लकड़ियों से जो प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहता है और फ्रूट जो ऊपर लटका रहता है, जैसे इसके टमाटर के मतलब दाने जो ऊपर लटके रहेंगे और फूल भी जो ऊपर लटका रहेगा, और फूल भी सुरक्षित, फल भी सुरक्षित और प्लांट भी सुरक्षित, इससे जो तीनों चीज़ें सुरक्षित रहती है और इससे फार्मर को जो अच्छा फ़ायदा होता है। तो अभी हम लकड़ी लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे लकड़ी लगाई जाती है। और लकड़ियाँ लगाने से मैंने जैसे आपको पहले बताया, लकड़ी लगाने से प्लांट जो एकदम सुरक्षित रहता है, तो लकड़ी लगाने से पहले का प्रोसेस रहता है ज़मीन को नरम करना। ज़मीन को नरम करने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, सिंचाई का। तो सिंचाई आगे आगे सिंचाई कर रहे हैं, जैसे वहाँ तक जो सुबह कर दी थी, तो अभी ये दो बेड यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो अभी इसकी सिंचाई कर रहे हैं, तो इसको सुबह के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे ये अभी सिंचाई कर दी, जैसे यहाँ आगे सिंचाई करेंगे, इनको जो है सुबह के लिए तैयार करेंगे, और ये लकड़ियाँ रखी हुई है, इन लकड़ियों को लगाएंगे सुबह। जैसे अभी जितने लगेंगे, 3-4 बेड आगे, 3-4 बेड को लगाएंगे और आगे जो है सुबह लगाएंगे। तो सुबह जो है इसको तैयार, खेत को तैयार करना पड़ता है, पहले इसको तैयार करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है, और सिंचाई जैसे गड्ढे भर भर के सिंचाई देनी पड़ती है, इससे जो है लकड़ियाँ ज़्यादा नरम होती है और ज़्यादा अंदर धंस जाती है और पक्की रहती है। और अगर सूखी मिट्टी होगी तो लकड़ी अंदर नहीं जाएगी, लकड़ी ज़मीन में धंसेगी नहीं, और लकड़ी मतलब प्रॉपर तरीके से जो है खड़ी नहीं रहेगी, और इससे प्लांट का जो है अपना वेट भार जो संभाल नहीं पाएगी, और इसमें जो प्लांट का भार क्या संभालेगी फिर। इसको प्लांट के भार को संभालने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे हाँ ये देख सकते हैं, तकरीबन इस लकड़ी को इतना जोर लगा रहा हूँ कि ये निकल नहीं रही है। तो इसको इन लकड़ियों को जो है ये देख सकते, ये तकरीबन जो ऐसे करके जो ऐसे नरम ज़मीन में जो है जितनी ज़्यादा अंदर गहरी चली जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ तक जो हमने ये अभी इसमें अभी लगाए वन साइड को 6-7 बेड लगा दिए, अभी 1-2-3-4-6-7वां बेड लगा रहे हैं। तो नीचे सुबह लगाए थे, सुबह में वीडियो कवरेज नहीं कर पाया था, तो सुबह जो इलेक्शन का भी थोड़ा हमें जल्दी थी कि हमने वोट डालने जाना था। आज आपको पता है लोकतंत्र का महापर्व था और वोटिंग थी आज MP के इलेक्शन की, और ये वोटिंग जो काफ़ी मतलब ज़रूरी होती है, हमने जो अपने देश के एक अच्छे लीडर को चुना होता है, और इससे जो है हमारा देश जो है तरक्की करे और विकसित भारत बने। तो ये देख सकते, तो सुबह जल्दी थी इसलिए मैं ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाया था, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं खुद लकड़ी लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे जो लकड़ियाँ लगाई जाती है, कैसे हाथ पैर भी सुरक्षित रखने पड़ते हैं, अपनी आँखें बचाना पड़ती है, फेस भी बचानी पड़ती है, मतलब बॉडी भी बचानी पड़ती है, और अपनों को भी सुरक्षित और प्लांट को भी सुरक्षित रखना पड़ता है, इसलिए ऐसे जो है लकड़ियाँ लगाई जाती है। तो अब आपके सामने लकड़ियाँ लगाऊँगा मैं, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें कैसे जो लकड़ियाँ लगाई जाएगी।
तो अभी जो मैं लकड़ी लगाऊंगा, तो आपके सामने लकड़ी लगाऊंगा। जैसे ये एक लकड़ी ले ली हमने, तो यहाँ भी लकड़ी रखी है, इसको जो हम स्टॉक करके रखते हैं, इसको जो अगले साल के लिए भी रख लिया जाएगा। जैसे जैसे जो सुरक्षित लकड़ी होगी, इसको जो अगले साल के लिए भी स्टॉक करके रख लिया जाएगा। जो सड़ गई होगी, इसको जो जलाने के लिए घर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जो है हम आगे चलकर ऐसे ऐसे एक एक प्लांट को जो चार चार लकड़ियाँ लगाई जाती है, और चार लकड़ियाँ लगाने से क्या होता है, ये प्लांट को जो आगे ऐसे चार लकड़ियाँ लगाई जाएगी, और इन चार लकड़ियों में प्लांट जो आपस में हवाओं से ही बच जाएगा, और इसको जो बाद में बंधाई की जाएगी, रस्सी से इसकी बंधाई की जाएगी एक दो बार, और बंधाई करने से भी प्लांट जो है पूरा अंदर प्लांट जो जकड़ जाएगा। जैसे फॉरेस्ट वाले या डिपार्टमेंट वाले हॉर्टिकल्चर वाले भी जो एक प्लांट लगाते, तो प्लांट को जो लोहे का जाला लगाते हैं, उसको जो कवर कर देते, सुरक्षित रखते हैं उनको। जो सुरक्षित इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसको जो जानवरों से बचाया जाता है। तो हमें जो है प्लांट फ्रूट को बचाने के लिए, इसको जो है इसके फल को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित बचाना पड़ता है। प्लांट की रक्षा करनी पड़ती है, और फल और फ्रूट की भी। अगर ये मैंने पहले बताया, जैसे अगर ये इसको हम लकड़ी नहीं लगाएंगे तो प्लांट ऐसे ही करके गिर जाएगा, और गिरने की वजह से क्या होगा, ये प्लांट भी मर जाएगा और फल और फ्रूट भी खराब हो जाएंगे। इसलिए इसको जो ऐसे ऐसे करके जो है लगाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यही रहेगा आगे भी, हम जो ऐसे ऐसे करके जो लकड़ियाँ लगाते जाएंगे पूरे खेत में। तो यही जो मैं किसी से संबंधित इसी तरह की अनेकों वीडियो जो दोस्तों आपको बार बार यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो चैनल में मेरे नए साथी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो ये हमारा प्लॉट, आगे कुछ एरिया बचा तो देख सकते हैं, यहाँ नीचे लगा दिए हमने सारे, और आगे बचे हैं 10-15 बेड बचे, इनको जो ख़त्म करेंगे हम, फिनिश करेंगे। तो इनको जो है फिनिश करेंगे, और आगे चलकर जो ऐसे लगाते जाएंगे। तो यहाँ जो देख सकते हैं, यहाँ हमने लगा दी ऊपर से, ये तकरीबन जो 2000 प्लांट जो टमाटर का लगाया हमने, तकरीबन मैंने एक दिन काउंटिंग की तो 1970 प्लांट लगे इसमें, 1970 30 प्लांट कम नहीं तो 2000 प्लांट लगे। ये देख सकते हैं इसमें टमाटर की खेती की, थोड़े टमाटर जो हमने घने लगा दिए इस बार, इसलिए लकड़ियाँ जो काफ़ी घनी दिख रही है। और लकड़ियाँ ऐसी लगानी पड़ती है दोस्तों, बीच बीच में जो रास्ते भी रखने पड़ते हैं अपने लिए। ये देख सकते हैं ऐसे जो रास्ते रखे, बिल्कुल प्लांट को भी सुरक्षित रखना पड़ता है, आने जाने के लिए अपने लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं, यहाँ से भी रास्ते वहाँ से भी रास्ते, मतलब चारों तरफ से जो अपने आने जाने के लिए भी रास्ते बनाने पड़ते हैं। और ऐसे करके जो है लकड़ियाँ लगाई जाती है, बिल्कुल सेफ तार लकड़ियाँ लगाई जाती है। तो ये था आज की वीडियो। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।